नमस्कार, भारतवर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रसिद्ध किले के बारे में जानेंगे। सिंहगढ़ किला महाराष्ट्र के प्रसिद्ध किलों में से एक है, जो कि पुणे शहर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस किले की उपलब्ध कुछ जानकारी से पता चलता है कि यह किला 2000 साल पहले बनवाया गया था। कहा जाता है कि इसी किले की पराजय के बाद शुरू हुआ था मराठा साम्राज्य का पतन। सिंहगढ़ किले को मराठा साम्राज्य की शान के रूप में जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के लिए किला कई कारणों से महत्वपूर्ण था। यह किला पहले कोंढाणा नाम से जाना जाता था। दंत कथाओं के अनुसार यहाँ पर प्राचीन काल में कौंडिन्य अथवा श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। इतिहासकारों का विचार है कि महाराष्ट्र के यादवों या शिलाहार नरेशों में से किसी ने कोंढाणा के किले को बनवाया होगा। मोहम्मद तुगलक के समय में यह नागनायक नामक राजा के अधिकार में था। इसने तुगलक का 8 मास तक सामना किया था। इसके पश्चात अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद का यहाँ पर कब्जा रहा और तब पश्चात बीजापुर के सुल्तान का भी कब्जा यहाँ पर रहा। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज, जो इब्राहिम आदिल शाह प्रथम के सेनापति थे और उन्हें पुणे क्षेत्र का नियंत्रण सौंपा गया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह के सामने झुकना मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने स्वराज की स्थापना करने का निर्णय लिया और आदिल शाह के सरदार सिद्धि अंबर को अपने अधीन कर कोंढाणा किले को अपने स्वराज में शामिल कर लिया। लेकिन 1649 में शाहजी महाराज को आदिल शाह के कैद से छुड़ाने के लिए उन्हें इस किले को आदिल शाह को सौंपना पड़ा। इस किले ने 1662, 1663 और 1665 में मुगलों के हमले को देखा। पुरंदर के माध्यम से 1665 में किला मुगल सेना प्रमुख मिर्जा राजे जयसिंह के हाथों में चला गया। शिवाजी महाराज के सरदार तानाजी मालुसरे और उनके सैनिकों ने लड़ाई कर किले पर फिर से कब्जा किया। इस लड़ाई में तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए। तानाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम सिंगड़ रखा। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने किले का नियंत्रण पुनः प्राप्त किया। सरदार बलकवडे की अध्यक्षता में मराठों ने 1693 में इसे पुनः कब्जा कर लिया। छत्रपति राजा राम ने सतारा पर एक मोगल छापे के दौरान इस किले में शरण दी, लेकिन 3 मार्च 1700 पर सिंगड़ किले में उनका निधन हो गया। 1703 में औरंगजेब ने किले को जीत लिया, लेकिन 1706 में यह किला एक बार फिर मराठों के हाथ में चला गया। संगोला विसाजी चापर और पंताजी शिवदेव ने इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 मार्च 1818 में पेशवाओं को हराकर अंग्रेजों ने पुणे सिंगड़ किले पर कब्जा जमाया था। इससे पहले खिड़की की लड़ाई में पराजय के बाद बाजीराव पेशवा द्वितीय पुणे छोड़ने पर मजबूर हुए थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने पेशवाओं की संपत्ति लूट ली थी। किले पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ किला खाली करवाया और यहीं से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का पतन। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।